हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगी। आज की वीडियो की शुरुआत में मैं एक सवाल के साथ करूंगा, आपकी नजर में स्किन केयर का ऐसा कौन सा स्टेप है जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट? नीचे जाकर मुझे कमेंट कर बताओ। मेरी नजर में एक अच्छी नाइट क्रीम आपके पास होनी ही चाहिए। उसका मेन रीजन आपको मैं बताता हूँ, जितने भी स्किन में आपके खोए हुए न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो एक नाइट क्रीम प्रोवाइड करने का काम करती है। और इसके अलावा जब आप और आपकी स्किन दोनों रेस्ट मोड पर होते हैं ना, वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाती है। और ये एक देखो बेसिक सा रूल है, अगर आपको आपके स्किन केयर का मोस्ट फायदा चाहिए ना, तो उसको रात में लगाओ, हमेशा तब उसका बेटर वर्क करेगा। उसके कई सारे रीजन होते हैं, एक तो आपकी स्किन पॉल्यूशन डस्ट से एक्सपोज नहीं है, दूसरा आपकी स्किन बिल्कुल ही रिलैक्स मोड पे है, तो इजीली जो भी चीज़ आप उसको फीड करोगे अच्छे से कंज्यूम कर पाएगी। जब हम एक कमर्शियल वाली नाइट क्रीम लेने जाते हैं ना, तो उसकी सिर्फ दो ही दिक्कतें होती हैं। देखो पहले तो ये समझ लो वो बहुत ही लाजवाब होती हैं, पर जो वो दिक्कतें देती हैं, एक तो पॉकेट के लिए बहुत ज़्यादा भारी होती है, और दूसरा उसमें होते हैं केमिकल्स। तो हम आपके लिए नाइट क्रीम जो रेडी करवाएंगे उसमें दोनों चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, एक तो आपकी पॉकेट पे भारी नहीं पड़ेगी और दूसरा होगी 100% नेचुरल। हम टोटल आप लोगों के लिए तीन तरह की नाइट क्रीम रेडी करवाने वाले, बिकॉज स्किन केयर कभी भी यूनिवर्सल नहीं होता, सबकी स्किन टाइप और कंसर्न होते हैं अलग, और हमेशा आपने वो देखकर ही एक स्किन केयर प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो तसल्ली से बैठ जाओ और हमारी वीडियो देखो बिल्कुल एंड तक बिना स्किप करे, बिकॉज कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस कर दोगे ना, फिर कहोगे यार मुझे तो फायदा ही ना मिला। तो स्किप करना छोड़ दो वीडियो आज के आज, और वीडियो अभी के अभी आगे शेयर भी कर दो, बिकॉज आपके फ्रेंड्स के लिए भी रहने वाली है बहुत ज्यादा यूजफुल। अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो के साथ आगे और आप लोगों के लिए तैयार करवाते हैं बेस्ट एवर नाइट क्रीम टू ट्रीट योर स्किन कंसर्न। नंबर वन, एंटी ब्लेमिश एंड एंटी एजिंग नाइट क्रीम। अगर आपके फेस पे हो रहे हैं डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन से परेशान हो, या आपका स्किन का टेक्सचर अनइवन है, या फिर रिंकल्स और फाइन लाइन से परेशान हो, तो ये वाली नाइट क्रीम है स्पेशली आपके लिए। हमने ध्यान रखा है इस क्रीम में हो प्रॉपर हाइड्रेशन और ये सारे कंसर्न्स पे प्रॉपरली वर्क करे। जो इंग्रेडिएंट सेलेक्ट किए गए ना, वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, तो आपको बहुत ही जल्दी फायदा मिलने वाला है। आपने सिर्फ इस क्रीम को अप्लाई करना है रात के वक्त और आपको मिलने वाली है ग्लोइंग स्किन नेक्स्ट मॉर्निंग। हमारी इस नाइट क्रीम के लिए हमें टोटल तीन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले चाहिए एलोवेरा जेल, जो हमारी इस नाइट क्रीम को एक क्रीम बेस देने का काम करेगा, बहुत ही अमेजिंग हाइड्रेशन का काम करता है और सूदिंग सा इफेक्ट देता है, प्री मैच्योर एजिंग से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा और जितना भी डैमेज हुआ है ना आपकी स्किन पे उसको रिपेयर करेगा। नंबर टू, आलमंड ऑयल। मतलब कितना ही खूबसूरत होता है बादाम का तेल, स्किन पे लगाओ क्या ग्लो आता है आपके फेस पे। मेरा तो देखो पर्सनली फेवरेट है एलोवेरा जेल और आलमंड ऑयल को मिलाकर लगाना, मैंने कई बार बताया है। इसके अंदर वैसे होता है विटामिन ई और विटामिन ए। विटामिन ई आपकी स्किन को फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करता है, जिससे प्री मैच्योर एजिंग की दिक्कत नहीं आती। साथ में है विटामिन ए, जो आप रेटिनॉल के सीरम यूज करते हो ना, वो भी एक विटामिन ए का ही फॉर्म होता है। तो ये सिमिलर बेनिफिट्स देता है, आपकी स्किन पे लिफ्टिंग इफेक्ट देगा, आपकी स्किन को टाइट करेगा, रिंकल्स और फाइन लाइंस को बिल्कुल ही दूर रखेगा, साथ में आपकी स्किन पे एक ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देगा। लास्टली हमारे को चाहिए रोज हिप ऑयल। अब ये है एक स्पेशल इंग्रेडिएंट जो हमारी इस नाइट क्रीम को बनाएगा एंटी एजिंग एंड एंटी ब्लेमिश क्रीम। इसके अंदर होते हैं स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज और ये बहुत ही अमेजिंग मॉइस्चराइजर है। आपको अगर रिंकल्स और फाइन लाइंस की दिक्कत है ना, इससे पावरफुल इंग्रेडिएंट कोई है ही नहीं। इसको प्लांट रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये इतना अमेजिंग मॉइस्चराइजर है कि और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, तो जब आप इसको लगाओगे एकदम अब्सॉर्ब हो जाएगा और बिल्कुल भी आपकी स्किन को ऑयली नहीं करेगा। हमारी आज की क्रीम की पार डबल करने वाला है रोज हिप ऑयल। तो अब सारे इंग्रेडिएंट्स तो आप जान चुके हो, सीधा तैयार कराते हैं आपके लिए अमेजिंग वाली नाइट क्रीम। सबसे पहले तो एक क्लीन कंटेनर ले लो, उसमें आपने डालना है 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच बादाम का तेल, और अच्छे से उनको मिक्स कर लो। एक क्रीम लाइक कंसिस्टेंसी आपको मिल जाएगी, जो इतनी ब्यूटीफुल लगेगी ना कि आपको लगेगा यार अभी अभी लगाते हैं, स्किन पे जबरदस्त वाला ग्लो आने वाला है। पर उसको और ज्यादा पावरफुल बनाना है आपने 4 ड्रॉप्स रोज हिप ऑयल डालकर, एंड अगेन बढ़िया ढंग से मिक्स कर लेना है। अब इस क्रीम को आपने हर रोज अप्लाई करना है रात के वक्त। आपका फेस होना चाहिए बिल्कुल क्लीन, टोनिंग करते हो तो टोनिंग भी कर लो, फिर स्मॉल डॉट्स में इसको अप्लाई कर लो और ब्लेंड कर लो अपवर्ड डायरेक्शन में और आउटवर्ड स्ट्रोक्स में। आपकी स्किन में क्रीम जितना जाएगी ना, उतना फायदा देगी आपकी स्किन को। आपको लगाते ही स्किन प्लम्पी और इलास्टिक फील होने वाली है और विद इन 2 वीक्स आपके मेजर स्किन कंसर्न्स को दूर करने वाली है। नंबर 2, ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन। अगर आपके फेस पे हमेशा ऑयल आता है, फेस पे एक्ने की दिक्कत है, या फिर पोस्ट एक्ने स्कार्स हैं, और कोई भी नाइट क्रीम लगाते हो तो ब्रेकआउट्स बढ़ जाते हैं, तो ये वाली नाइट क्रीम स्पेशली आपके लिए बनाई गई है। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा जोजोबा ऑयल, जो आपकी स्किन में ऑयल को बैलेंस करता है, सीबम प्रोडक्शन को कम करता है और ब्रेकआउट्स आपके फेस पे नहीं होने देता। इसके साथ साथ एक कमाल का मॉइस्चराइजर भी है, जो आपके फेस पे यूथफुल वाली अपीयरेंस बनाए रखता है। नंबर 2,
टी ट्री ऑयल। अब मैंने आपको बोला था ये एक्ने प्रोन के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट रहने वाली है, तो टी ट्री ऑयल के बगैर ये कंप्लीट हो ही नहीं सकती। आपके जो एक्ने होता है ना उसको ड्राई करने का काम करता है, और ताकि आपकी स्किन ड्राई ना हो इसलिए हम अदर इंग्रेडिएंट्स साथ में ऐड कर रहे हैं। टी ट्री ऑयल में होती है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज जो पोस्ट एक्ने स्कार्स को भी हटाने का काम करता है। एंड लास्टली हमारे को जरूरत पड़ने वाली है एलोवेरा जेल की, जिसके बगैर हम क्रीम बेस अचीव ही नहीं कर पाएंगे। अब सीधा हम जानते हैं कैसे तैयार होने वाली है ऑयल कंट्रोल एंड एक्ने कंट्रोल नाइट क्रीम। सबसे पहले तो एक क्लीन कंटेनर ले लो, उसमें 2 चम्मच डाल दो एलोवेरा जेल के और 1 चम्मच डाल लो जोजोबा ऑयल का। अच्छे से इनको बढ़िया ढंग से मिक्स कर लो, एक ब्यूटीफुल सी क्रीम आपकी रेडी हो जाएगी। अब उसको हम बनाएंगे एंटी बैक्टीरियल एंड एंटीसेप्टिक ताकि आपके एक्ने हट जाए। तो आप डाल दो 4 ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल और अगेन बढ़िया ढंग से मिक्स कर लो। आपकी शानदार वाली ऑयल कंट्रोल एंड एक्ने कंट्रोल नाइट क्रीम रेडी हो चुकी है। फेस को आपने अच्छे से क्लीन करना है रात के वक्त एक ऑयल कंट्रोल क्लेंजर के साथ, जो आपके फेस को प्रॉपरली क्लीन करे और ऑयल को हटाए। फिर आप कर लो टोनिंग, देन आप अप्लाई कर लो अमेजिंग वाली नाइट क्रीम। नेक्स्ट मॉर्निंग आपको मिलने वाली है प्रॉपर ग्लोइंग स्किन, सारा हाइड्रेशन भी मिल जाएगा और एक्ने वगैरह भी दूर हो जाएगी। एंड फाइनली नंबर 3, सुपर हाइड्रेटिंग नाइट क्रीम। अब आपने अगर बहुत सी नाइट क्रीम्स यूज कर देख ले फिर भी ड्राई और फ्लेकी स्किन आपको परेशान करती है, तो ये नाइट क्रीम स्पेशली आपके लिए बनाई गई है। मैं इसमें डालने वाला हूं भर भर कर हाइड्रेशन। और आपको पता है क्या सबसे बड़ा रीजन एजिंग का क्या होता है? ड्राई स्किन। तो अपनी स्किन को ड्राई होने ही मत दो, रिंकल्स और फाइन लाइंस आपको कभी तंग करेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं है कि ऑयली स्किन वालों को रिंकल्स नहीं हो सकते, बट ये 100% गारंटीड है कि ड्राई स्किन वालों को रिंकल्स की समस्या पहले आती है। तो ये वाली नाइट क्रीम को यूज करो और अपनी स्किन को बनाओ प्लम्पी और इलास्टिक। इसके लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ने वाली है ग्लिसरीन की, जो कि एक ह्यूमेक्टेंट होता है और आप बहुत अच्छे से जानते हो विंटर में मैं कितना पसंद करता हूँ अपनी DIY में ग्लिसरीन को यूज करना। आपकी स्किन टोन को इवन करता है और मॉइस्चर को लॉक करता है आपकी स्किन में। सेकंड हमारे को जरूरत पड़ने वाली है आलमंड ऑयल की, जिसके अंदर मैंने जस्ट आपको बताया विटामिन ई और विटामिन ए होता है, जो बड़ा ही अच्छा रहता है ड्राई स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन में प्रॉपर हाइड्रेशन होगा तो रिंकल्स और फाइन लाइंस भी रहेंगे दूर आपकी स्किन से। लास्टली हमारे को जरूरत पड़ने वाली है एलोवेरा जेल की, जिसके बगैर हमारी कोई भी नाइट क्रीम कंप्लीट हो ही नहीं सकती। अब सबसे पहले ले लो एक क्लीन कंटेनर, उसमें आपने डालने हैं 2 चम्मच एलोवेरा जेल के और 1 चम्मच बादाम ऑयल का। अच्छे से मिक्स कर एक ब्यूटीफुल सी क्रीम रेडी करवा लो। अब उसमें एक्स्ट्रा हाइड्रेशन आप डालो 1 चम्मच ग्लिसरीन डाल के और अगेन बढ़िया ढंग से मिक्स कर लो। जो आती है ना मार्केट में हाइलोनोरिक एसिड वाली क्रीम्स, उससे बेटर वर्क करने वाली है ये वाली नाइट क्रीम आपके लिए। सिर्फ एक बार इसको अप्लाई कर देखो, सारा मॉइस्चर लॉक करेगी आपके फेस पे। फेस को करा क्लीन, अगर टोनिंग करते हो तो टोनिंग कर लो, फिर आप इसको स्मॉल डॉट्स में लगाकर ब्लेंड कर लो। इतनी स्मूथ बना देगी आपकी स्किन को, प्लम्पी बना देगी, बस आपको मजा ही आ जाएगा पहले ही यूज। तो हमने आज डिस्कस करी 3 अमेजिंग नाइट क्रीम्स। क्या हमने आपका कंसर्न कवर अप करा वीडियो में या नहीं करा हमें कमेंट कर जरूर बताना। अगर आपकी कोई स्पेशल क्रीम है जो आप यूज करते हो, खुद बनाते हो रात के वक्त के लिए, तो उसकी रेमेडी जरूर शेयर करना, वो बाकी व्यूअर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। और अगर मुझे वो पसंद आएगी मैं शॉर्टली उस पर वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। वीडियो आगे शेयर जरूर किया करो, बिकॉज जब हमारे को कोई अच्छी चीज मिलती है तो आगे वो बांटनी ही चाहिए। अगर तीनों में से कोई भी नाइट क्रीम का आपने खरीदना है प्रोडक्ट, तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट को टैग कर दूंगा, वहां जाके डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हो। मैं 3 सेट ऑफ क्रीम्स बनाऊंगा, एक ड्राई स्किन के लिए, एक ब्लेमिश के लिए, एक एक्ने के लिए। तो जो आपका कंसर्न हो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो। तब तक हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट रोहित सचदेवा, गुड बाय।